नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नव दुर्गा ज्योतिष में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं तुलसी लगाने के 24 ऐसे फायदे के बारे में, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलो मित्रों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 24 ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जो तुलसी लगाने से हमें मिलते हैं। बहुत से बुजुर्ग लोगों से आपने सुना होगा कि तुलसी को आंगन में या दरवाजे पे लगाना चाहिए, लेकिन इसका कारण आपको आज मैं बताऊंगा। तुलसी ऐसा पवित्र पौधा है कि जिसके दरवाजे पर लग जाता है, उसके दरवाजे पर लगने के बाद उसकी हवा जिस जिस तरफ जाती है, सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार का वास्तु दोष उस घर में नष्ट हो जाता है, किसी भी प्रकार की वास्तु दोष नहीं रह जाता। अगर आपका घर का आंगन बड़ा है तो आप आंगन में लगाइए, नहीं तो आप अपने दरवाजे पर अवश्य लगाइए। इससे यह फायदा होगा कि आपके घर में जितने भी प्रकार के वास्तु दोष है दूर हो जाएंगे, साथ साथ में भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहेगी। नंबर दो, पद्म पुराण के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में सभी तीर्थ निवास करते हैं, उन्हें सभी तीर्थों का फल घर बैठे ही तुलसी सेवा से मिल जाता है। नंबर तीन, तुलसी की सेवा करना, पूजा करना, दीपक जलाना और जल चढ़ाना, ऐसा करने वाला व्यक्ति सभी तीर्थों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। नंबर चार, जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं प्रवेश कर पाते। नंबर चार, जो व्यक्ति अपने भोजन में तुलसी का पत्ता डालकर भोजन करता है उसका शरीर धीरे धीरे पवित्र हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का विकार नहीं रह जाता, वह पवित्र हो जाता है। कहते हैं कि तुलसी इतना पवित्र पौधा है कि जो भी व्यक्ति तुलसी के पत्तों को अपने जल में डालकर स्नान करता है उसे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे समस्त तीर्थों का फल उसे घर में ही मिल जाता है। नंबर छह, तुलसी की पौधे की पूजा करना, सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा होती है, भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के पत्तों की हवा जिस दिशा में भी जाती है उस दिशा में वो पवित्र कर देती है उस दिशा को, और उस सभी प्राणियों को दोष रहित कर देती है, पाप रहित कर देती है। तो तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र है, इसको अवश्य ही अपने दरवाजे पर लगाना चाहिए ताकि आप में सद्बुद्धि विवेक जागे, भगवान विष्णु आप पर कृपा करें। पुराणों के अनुसार जो भी व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसे सभी तीर्थों का आशीर्वाद मिलता है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसके समस्त प्रकार के रोग एवं पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सभी को करना चाहिए, अपने दरवाजे पर तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी के पौधों को लगाना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो जाए। नंबर नौ, स्कंद पुराण में लिखा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में जितना भी तुलसी का पौधा लगाता है, जितना पौधा लगाता है उतना ही जन्मों का उसका पाप नष्ट हो जाता है और वह पुण्य आत्मा पवित्र होकर के भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है मृत्यु उपरांत। नंबर दस, ऐसा माना जाता है कि हिंदू सनातन धर्म में जितना भी पूजा पाठ होता है, जितना भी प्रसाद बनता है, सब में तुलसी का पत्ता डाला जाता है। अगर तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाए तो वह पूजा पाठ, वह प्रसाद
फलदायी नहीं होता ऐसा मान्यता है। नंबर 11, जो भी दान तुलसी के पत्तों के साथ दिया जाता है, आप कोई भी चीज दान करें तुलसी के पत्तों को साथ में रख कर दान करें, ऐसा करने से आपको अपार फल प्राप्त होता है, बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलता है। इस तरीके से दान किया हुआ आपको फल बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए तुलसी के पत्तों के साथ में ही आप कोई भी चीज दान करें। धन हो, अन्न हो या और भी कोई वस्तु हो, तुलसी के पत्ते रखकर उसे दान करें, बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा, आपको उसका अपार फल मिलेगा। नंबर 12, अगर कोई व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करता है तो उसकी सभी प्रकार की दरिद्रता नष्ट हो जाती है और वह व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा से धनवान हो जाता है। ऐसा अवश्य करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की 108 परिक्रमा करके उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए ताकि वो गरीब से अमीरी की ओर बढ़ सके और उसकी सारी परेशानी, सारी गरीबी दूर हो सके। नंबर 13, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना सेवा करता है तो उसे 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु सेवा से बहुत खुश होते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की सेवा हमेशा तुलसी के पत्ते के साथ में करनी चाहिए। उनके प्रसाद रूप में भोजन में भी रखना चाहिए और उनको स्नान कराते समय स्नान के जल में भी तुलसी के पत्तों को डालना चाहिए। नंबर 16, अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पास में प्रतिदिन दीपक जलाता है तो उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 17, अगर कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे पर प्रतिदिन जल चढ़ाता है, भगवान विष्णु की सेवा करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके समस्त रोग दूर होते हैं। नंबर 18, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी चालसा पढ़ता है और तुलसी की पूजा करता है तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, समस्त प्रकार के सुख वैभव आने लगते हैं, ऐसा सभी व्यक्ति को हो सके तो अवश्य करना चाहिए। नंबर 19, जिस माँ बहन की कोख नहीं खुल रही है वो माँ बहन निरंतर तुलसी की पूजा करे, जल चढ़ाए तो उनके घर में पुत्र या पुत्री की जन्म अवश्य होता है, उनके कोख अवश्य खुलती है, ऐसा करने से उनके घर में अवश्य बच्चे जन्म लेते हैं और बहुत ही पुण्यात्मा जन्म लेते हैं, पुण्यात्मा बच्चे जन्म लेते हैं। तो प्रतिदिन तुलसी की सेवा करने से जिसकी कोख बंद हो चुकी है उसकी कोख खुल जाती है और भगवान के समान पुत्र या पुत्री का जन्म होता है। नंबर 21, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अशांति बनी रहती है, उस घर में तुलसी का पौधा अगर लगा दिया जाए और प्रतिदिन उसकी पूजा पाठ की जाए, जल चढ़ाया जाए, दीपक जलाया जाए तो उस घर में शांति वापस आ जाती है और वह घर पवित्र हो जाता है, उनके घर की सारी परेशानी दूर हो जाती है, अगर कोई प्रेत बाधा वगैरह कुछ भी हो तो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। नंबर 22, जिस व्यक्ति को अनिद्रा नामक रोग हो गया है, उसे नींद बहुत कम आती है, वह व्यक्ति तुलसी का पौधा तकिया के नीचे सर में रखने से और खाने से उसकी अनिद्रा नामक रोग दूर हो जाते हैं। और नंबर 23, तुलसी का पौधा आंगन में या घर के सामने लगाने से नेगेटिव ऊर्जा, भूत प्रेत नहीं प्रवेश कर पाते, घर में शांति बनी रहती है, सुख शांति बढ़ता है, इसलिए घर के दरवाजे पर या अपने आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यह एक बहुत ही पवित्र पौधा है जिसके कारण अपवित्र आत्माएं आपके घर में नहीं प्रवेश कर पाती और आपकी रक्षा होती रहती है। नंबर 24, अगर कोई व्यक्ति तुलसी का पत्ता
अपने साथ रखकर यात्रा करता है तो उसका मंगलमय होता है, यात्रा उसकी सुखदायी होती है और उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। तो मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे 24 तुलसी के फायदे बताए, वह आप अपने जीवन में अवश्य उतारें और उसका लाभ लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लग रहा हो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें और हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और उस वीडियो में आपको बताएंगे कि तुलसी खाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, उसके क्या क्या फायदे होते हैं। तब तक के लिए हम इस वीडियो से आप लोगों से लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।